Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your class 12th history, chapter 5, two tabular size. In this chapter, we have read about the two foreign travelers, Ibn Battuta and Alberoni's. We are going to read about the third, the Pramkas Bernier. After discussion of little bit information about their books and their biography of the particular authors, we have discussed that which type of informations they compile in their book in this chapter. What is the social condition? What is the culture? What is the language? And what is the difference between each other? Explanation about India. We have discussed all things in this video. So first, we should have discussed about the Pramkas Bernier, because we have already discussed the Alberoni's and Ibn Battuta. So let's start the Pramkas Bernier. Pramkas Bernier, a doctor with the differences, was the Portuguese arrived in India about 1500 CE. A number of them wrote detailed account regarding Indian social customs and religious practices. A few of them, such as the Jesuit Robert Nobili, even translated Indian text into European language. Dear student, हम Pramkas Bernier के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. करें probably 1500 ईस्वी के आसपास भारत में पुर्तगालियों का आगमन होने लगा. 1498 फर्स्ट टाइम पुर्तगीज केम टू इंडिया. पुर्तगाली तो वास्को डी गामा वाज फर्स्ट ट्रेडर्स हु रीच्ड ऑन कप्पक डाबू कोचीन एज ट्रेडर्स 1498. सो वी कैन टेक द डेट ऑफ नियर अबाउट 1500 के आसपास भारत में पुर्तगालियों का आगमन शुरू हो चुका था. नंबर ऑफ देम रोड डिटेल अकाउंट रिगार्डिंग इंडियन सोशल कस्टम एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस. उसमें से बहुत सारे लोगों ने, जो पुर्तगाली भारत आए थे, उसने भारत के लोगों के बारे में खूब लिखा. उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तार से लिखे. उसमें से कुछ चुनिंदा लोग जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया. ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी. उन्होंने भारतीय जो टेक्स्ट थे, पुरानी किताबें थी, उनको उन्होंने पुर्तगीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और ज्ञान को एक नए स्वरूप को देने का, अपने भारतीय ज्ञान को यूरोप तक ले जाने का उनका एक अच्छा ये कार्य माना जा सकता है. कहते हैं इन प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम आता है डुआर्ट बारबोसा का. एमंग द बेस्ट टोना पुर्तुगीज राइटर इज डुआर्ट बारबोसा, हु रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया. डुआर्ट बारबोसा प्रसिद्ध लेखकों में एक थे. उसने दक्षिण भारत के व्यापार और सामाजिक स्थिति के बारे में खूब अच्छा लिखा है, विस्तृत विवरण लिखा. बारबोसा भी विजयनगर एम्पायर में जाते हैं. When we will read your chapter 7, then we have discussed all the travelers who wrote about what they wrote about Vijayanagar, what they wrote about trade. We will discuss here introductory part. You can take it. आप आसानी से इसको एक सामान्य सूचना के अंदर डुआर्ट बारबोसा उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे पुर्तगाली, जो इन्होंने दक्षिण भारत के व्यापार के बारे में लिखा, उनके रीति रिवाजों को लिखा, एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया. फिर बाद में कालांतर में 1600 के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी. इनमें से प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी जा बेपिस्ट ट्रेवर्नियर का आता है. फ्रेंच जेवलर जैन बेपिस्ट ट्रेवर्नियर वो ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम. जैन बेपिस्ट ट्रेवर्नियर भारत की 6 बार यात्रा किया था. वो विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और भारत की तुलना
ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की। इनमें से कई यात्री जैसे इटालवी चिकित्सक मनोची, कभी कभी जो कभी यूरोप गया ही नहीं, अपने को भारत में ही स्थापित कर लिया, भारत में ही रहने लगा, भारत में ही बस गया। फ्रांस का रहने वाला फ्रैंकोइस बर्नियर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रैंकोइस बर्नियर फ्रांस का रहने वाला एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक था, वो एक राजनीतिक, दार्शनिक, एक इतिहासकार, इतनी सारी विधाओं का जानकार था, वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थी फ्रैंकोइस बर्नियर का। कई और लोगों की तरह उसने मुगल साम्राज्य के अवसरों की तलाश में आया था। वो 1656 में और 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा और मुगल दरबार के नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिको के डॉक्टर के रूप में काम किया, फिर बाद में मुगल दरबार में एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में जुड़ा। उसने भारत में जुड़ करके अपनी सेवाएं दी। फ्रैंकोइस बर्नियर के साथ साथ कई सारे विदेशी यात्री भारत आए। 17वीं सदी तक तो कई सालों का बहुत सारे विदेशी यात्रियों का नाम लिया जा सकता है, जिसमें हॉकिंस, थॉमस रो, टेरी, एका बिबा, मनुची, फ्रैंकोइस बर्नियर, जैन बेपिस ट्रेवर्नियर, फादर एंथोनी मानसेरात, राल्फ फिंच, जॉन मिदेन हाल, जैसे कई सारे यात्रियों, फॉरेन ट्रेवलर्स के, यूरोपियन ट्रेवलर्स के नाम काउंट कराए जा सकते हैं। लेकिन उन सब में फ्रैंकोइस बर्नियर यूनिक था, क्योंकि ये लगभग 12 ईयर्स तक भारत में अपने सेवाएं दी, भारत में रहा। ये एक डॉक्टर भी था, ये एक फिलासफर भी था, एक साइंटिस्ट भी था, और तीनों रूप में उसने अपनी सेवाएँ भारतीय राज दरबारों में दिया। शाहजहाँ के बड़े लड़के दारा सिको के डॉक्टर के रूप में रहा, तो आर्मेनियाई एक व्यापारी जो था आर्मेनियाई, उसके यहाँ जिसने वैज्ञानिक के रूप में जुड़ा रहा, चिकित्सक के रूप में जुड़ा रहा, दानिशमंद खान के यहाँ, तो इस तरीके से उसने अपनी सेवाएं दी। अब वो कैसे इस चीज़ों का वर्णन करता है, इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, क्या लिखता है इन चीज़ों के बारे में, इनको देखते हैं। वो कहता है, फ्रैंकोइस बर्नियर कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फ्रैंकोइस बर्नियर ने अपनी पूरी पूरी व्याख्या, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन अपने ट्रेवल इन द मुगल कोर्ट टेक्स्ट का कंपेयर फॉर्म में किया है, ईस्ट टू वेस्ट के रूप में किया है, ईस्ट में, और हमेशा वो ईस्ट को इन्फीरियरिटी फीलिंग्स करता है और वेस्ट को सुपीरियर, वेस्ट को सुपीरियर दिखाता है और ईस्ट को इन्फीरियर दिखाता है। क्या लिखता है देखिए, लेट अस सी। द बर्नियर ट्रेवल्ड टू द सिविल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ, फ्रीक्वेंटली द कंपेयरिंग व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप। He dedicated his major writing to Louis XIV, the King of France, and many of his other works were written in the form of letter, the influential official and ministers. In the virtually every instance, Bernier described what he saw in India as a blank situation in the comparison to development in Europe. As we will see, the assessment was not always accurate. However, when his work were published, Bernier's writing became extremely popular. कहता है कि बर्नियर ने कई देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में उसने उसका विवरण प्रस्तुत किया, उसको उसका एक्सप्लेनेशन लिखा अपने बुक में। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोप की स्थिति से करता था। उसे अपने प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुईस XIV को समर्पित किया और इसके कई अन्य कार्य
प्रभावशाली अधिकारियों, मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में, लगभग प्रत्येक अपने एक्सप्लेनेशन में, अपने जो वो लिख रहा था, उसे बर्निया ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया, इन्फीरियर बताया। जैसा कि हम देखेंगे, उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था। दिस असेसमेंट वॉज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। हाउएवर व्हेन वी वर्क व पब्लिश बर्निया राइटिंग बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर। लेकिन बाद में जो उसने लिखा वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। उसने जो भारत का वर्णन किया, उसके कार्यों को जब प्रकाशित हुए, तो बर्नियर का जो वृत्तांत था वो अधिक लोकप्रिय हुआ। अब बर्नियर की एक घटना का उल्लेख है। बर्नियर लिखता है कि एक बार उसने ट्रेवलिंग विद द मुगल आर्मी के साथ यात्रा की थी, और अपनी यात्रा विवरण को लिखता है कि क्या किया था उसने। इन चीज़ों को देखिए, कह रहा है ट्रेवलिंग विद द मुगल आर्मी। बर्नियर ऑफन ट्रेवल विद द आर्मी, दिस इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द आर्मीज मार्च टू कश्मीर। कहता है कि बर्नियर ने मुगल सेना के साथ कई बार यात्राएं की, ऐसा वो लिखता है। यहाँ वो सेना के कश्मीर अभियान के बारे में लिख रहा है। इस संबंध में दिए गए विवरण को एक छोटे रूप में व्याख्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है अपने एक्सपीरियंसेस को। कह रहा है आई एम एक्सपेक्टेड टू कीप टू गुड्स द तुर्कमान हॉर्सेस एंड आई आल्सो टेक विथ मी अ पावरफुल पर्सियन कैमल एंड अ ड्राइवर, अ ग्रूम फॉर माय हॉर्सेस, अ कुक एंड अ सर्वेंट टू गो बिफोर माय हॉर्स विथ ए फ्लास्क ऑफ वाटर इन हिज हैंड। According to the custom of the country, I am also provided with every useful articles such as tent of moderate size, a crepe, the portable bed made of four very strong but light cane, a pillow, a matters round leather table cloth used at meals, some few napkins of tent cloth, three small bags with the culinary utensils which are all placed in a large bag, and this bag is again carried in a very the capacious and strong double sack of mat made for leather. Through this double sack likewise contains the provisions, linen and the wearing apparel, both the masters and servant. I have taken care to lay in a stock of excellent rice for 5 or 6 days, consumptions of sweet biscuits, the flavored with anise, a herb of limes and sugar, nor have I forgotten a linen bag with its small iron hook for the purpose of the suspending and the draining dahi or curds. Nothing being considered, so the refreshing in the country as a as a liminal and dahi. Kitne सुंदर तरीके से उसने पूरे यात्रा वर्णन का वर्णन किया, यात्रा में कौन कौन सी चीज़ जरूरी थी, लोग किन किन चीज़ों को लेके जाते थे। क्या लिखता है देखिए, कहता है कि इस देश की प्रथा के अनुसार मुझे 2 अच्छे तुर्की घोड़े दिए गए। तुर्की घोड़े देखने की अपेक्षा की जाती थी, और मैं अपने साथ एक शक्तिशाली पावरफुल पर्सियन कैमल तथा उसके ड्राइवर के साथ था। अपने घोड़ों के लिए एक साइंस, एक खानसामा तथा एक सेवक जो हाथ में पानी का पात्र लेकर मेरे घोड़े के पीछे चलता था भी रखता हूँ। मुझे हर उपयोगी वस्तु दी गई, जैसे औसत आकार का एक तंबू, एक दरी, 4 बहुत कठोर पर हल्के बेतों के
बने एक छोटे बिस्तर, एक तकिया, एक बिछौना, भोजन के समय पर गोलाकार चमड़े के मेजपोश, रंगे हुए कपड़े, कुछ हाथ पोछने के नैपकिन, खाना बनाने के सामान से भरे 3 छोटे झोले जो सभी एक बड़े झोले में रखे हुए थे, और यह झोला भी एक लंबे चौड़े तथा सदृश दोहरे बोरे अथवा चमड़े के पट्टे से बने जाल में रखा था। इस तरह इस दोहरे बोरे में स्वामी और सेवकों के खाद्य सामग्री, साम्राज्य कपड़े तथा वस्त्र रखे गए। मैंने ध्यानपूर्वक 5 या 6 दिनों के उपभोग के लिए बढ़िया चावल, सौंफ, एक प्रकार का साग पौधा और सुगंध मिट्टी वाली रोटी, नींबू तथा चीनी के भंडार साथ रखा। साथ ही मैं दही को टांगने और पानी निकालने के लिए प्रयुक्त छोटे लोहे के अंकुश वाला झोला लेना भी नहीं भूला हूँ। इस देश में नींबू के शरबत और दही से अधिक ताजगी भरी कोई वस्तु नहीं मानी जाती, क्योंकि दोनों चीज़ें मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ। इन चीज़ों का उल्लेख करता है, कहता है कि भारत में जब यात्रा होती थी, जब कोई भी अभियान किया था, तो सभी खाद्यान्न सामग्रियाँ साथ लेके चली जाती थी। खाने पीने की वस्तुएँ, पानी, कपड़े, सोने के लिए बिस्तर, ये पूरी व्यवस्था होती थी। अच्छे घोड़े और भारवाही पशु साथ चलते थे, सर्वेंट भी होते थे। और खुद लिखता है कि मैं अपनी आवश्यकता की बहुत सारी चीज़ें लेके चलता, कपड़े भी साथ थे, छोटी छोटी वस्तुओं से लेके हर एक चीज़ का उसने वर्णन इसमें किया, इसका उल्लेख किया उसने, और कहता है कि किस तरीके से इन चीज़ों को समझा जा सकता है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे कहता है कि ये एक अपने में अनोखा अनुभव था। अगर दूसरे को देखें, कहता है द क्रिएशन एंड द सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज अबाउट इंडिया, भारत के विषय में विचारों का निर्माण व प्रसार कैसे हुआ, उसके बारे में लिखता है कि द राइटिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेवलर्स हेल्प प्रोड्यूस्ड एन इमेज ऑफ द इंडियन यूरोपियन थ्रू द प्रिंटिंग्स एंड सर्कुलेशन ऑफ देयर बुक्स लेटर आफ्टर 1750 when the Indians like Sheikh Itzamuddin and Mirza Abu Talib visited Europe and confronted this image that Europeans had of their society, they tried to influence it by producing their own version of matters. कहता भारत के विषय में विचारों का सृजन और प्रसार कर यूरोपीय यात्रियों के वृत्तांतों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रसार के माध्यम से यूरोपीय लोगों के लिए भारत की एक छवि का सृजन में सहायता मिली। जो प्रिंटिंग बुक्स आ गए, जो प्रिंटिंग मटेरियल्स आ गए, वो भारत में जो विदेशी यात्री आए थे उनके यात्रा वृत्तांतों को अच्छे से एक्सप्लेन करने का एक अच्छा माध्यम हो गया। 1750 के बाद जब शेख इत्सामुद्दीन तथा मिर्जा अबू तालिब जैसे भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की, तो उन्होंने यूरोपीय लोगों को भारतीय समाज की छवि का सामना करना पड़ा, और उन्होंने तथ्यों को अपने अलग व्याख्या के माध्यम से उसे प्रभावित करने का प्रयास किया। कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, कहता सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि किस तरीके से भारतीय आचार विचार, भारतीय कला शैली, भारतीय समाज के बारे में यूरोपीय यात्रियों के जो व्याख्यान थे, जो वृत्तांत थे, जो वर्णन थे, उसको प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के बाद पब्लिश होने लगे। इस पब्लिश होने से उसकी जानकारी यूरोप के सभी लोगों को भी मिलने लगी, और इसके थ्रू भारतीय लोग जो थे उन्होंने भी लेखन कला में काफ़ी विस्तार किया। अबू तालिब जब गए, मिर्जा अबू गए वहाँ पर, इस्तामुद्दीन गए, तो उन्हें इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर भारतीय इमेज को देखने का मौका मिला। अब आइए पॉइंट्स पे। कहता है बर्नियर वर्क वर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1670-71 एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर। बिटवीन 1670 एंड 1725
His account was reprinted 8 times in the French, and by the 1684 it had been reprinted 3 times in English. This was his marked contrast to the account in the Arabic and Persian, which circulated as the manuscript and were generally not published before it. इसके पहले मैंने कहा था कि जो उसने लिखा वो यूरोप में बहुत ही लोकप्रिय हुआ, बहुत फेमस हुआ. द असेसमेंट ऑफ द फ्रैंको हस्पर्नियर वाज वेरी फेमस इन यूरोप. उसकी उपलब्धि, उसकी उसकी महत्ता को ऐसे समझा जा सकता है कि बर्नियर्स वर्क वर पब्लिश्ड इन फ्रांस इन 1617 एंड ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश. उसके जो काम किया था उसको पब्लिश किया गया 1617 to 1671 में. बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1617-71 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन, इटालवी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया 1617 to 1725. कह रहा है कि महज 55 सालों के बीच इसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार रिपब्लिश हुआ 1684 तक. तीन बार अंग्रेजी में रिप्रिंट किया गया ये, और अरबी और फारसी वृत्तांतों में इनका प्रसार हाथों से लिख के हस्तलिपियों के रूप में होता था, जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे, को पूरी तरह से विपरीत था. लोगों को आश्चर्यचकित करने वाला था. और ये ऐसा हुआ कैसे? ऐसा हुआ तभी जब प्रिंटिंग मशीन आ गई. जब प्रिंटिंग मशीन के आने से हाथ से लिखे गए किताबों की तुलना में छापे की किताबें अधिक आसानी से सुलभ थीं, लोगों के पास पहुंच सकती थीं, इसलिए इनके वर्णन को इवन फ्रैंको हस्पर्नियर के एक्सप्लेनेशन को काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों ने पसंद किया, पढ़ा 50-60 सालों में काफ़ी बड़े पैमाने. 8 बार रिप्रिंट हुआ, 3 बार अंग्रेजी में प्रिंट हुआ. ये सब उसकी क्या दे उसकी वो कितना प्रसिद्ध हुआ किताब, इसके बारे में ही व्याख्या कर रहा है. इसके बाद नेक्स्ट है लैंग्वेज विथ द इनार्मस रेंज. लैंग्वेज विथ इनार्मस रेंज, अब किस भाषा के बारे में बात कर रहे हैं? अल्बर्नी डिस्क्राइब संस्कृत एज फॉलोज. अब यहाँ पे हम थोड़ा बैक आएंगे. अब अल्बर्नीज, अब यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हमने फ्रैंको हस्पर्नियर, अल्बर्नी और इवन बतूता के बारे में पढ़ा, उनकी जानकारी के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पढ़ा. यहाँ से हम पढ़ेंगे अब तीनों को, तीनों के अकाउंट्स के आधार पर जो एक्सप्लेनेशन मिले किताबों में उन्हें देखेंगे, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इन्फॉर्म दे रहे हैं. अब यहाँ पर अल्बर्नी लिखते हैं लैंग्वेज विथ इनार्मस रेंज. इनार्मस रेंज Albertini's described Sanskrit as follows. If you want to conquer this difficulty to learn Sanskrit, you will not find it easy because the language is of an enormous range, both in word and the inflections, something like the Arabic, calling one and the same thing by the various names, both original and the derivative, and using one and same word for a variety of subject, which in order to be properly understood must be distinguished from each other by various qualifying epithets. कह रहा है कि संस्कृत एक विषय में, संस्कृत के विषय में अल्बर्नी क्या लिखता है. कहता है कि यदि आप इस कठिन भाषा को सीख जाएं, संस्कृत को यदि आप सीख जाएं या उसे पार पाना चाहते हैं, तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अरबी भाषा की तरह संस्कृत के शब्दों में कई विभक्तियां हैं, कई भागों में बटे हुए हैं. दोनों में ही इस भाषा की पहुँच बहुत विस्तृत है, तो वोकैब बहुत बड़ा है. इनमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते हैं. एक और एक ही शब्द का प्रयोग कई वस्तुओं के लिए होता है, जिन्हें भली प्रकार से समझने के लिए विभिन्न विशेषक संकेत पदों के माध्यम से ही दूसरे को अलग किया जाना आवश्यक है. कह रहा है कि
संस्कृत और अरबी दोनों सेम लैंग्वेज इतना है, दोनों में एक विस्तार वोकेबुलरी है, शब्दकोश, एक शब्द के लिए कई सारे शब्द और एक शब्द कई शब्दों के लिए एक शब्द, दोनों स्थितियाँ इस भाषा में दिखाई देती है। इन्हें समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप इसे समझ लें तो एक महत्वपूर्ण विशेषता, महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अल्बर्नी संस्कृत के बारे में ये बातें लिखता है। अब कहता है, अब देखिए, मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड अल्बर्नी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, कहता है एक अपरिचित संसार की समझ, अल्बर्नी तथा संस्कृतवादी परंपरा, ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, समझने में बाधाएं और उन पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे, इन बातों का उल्लेख 4.1 में अल्बर्नी लिखता है, अल्बर्नी के आधार पर होता है। जैसा कि हमने देखा, यात्रियों ने इंडियन कॉन्टिनेंट्स में जो देखा समानता, उसकी तुलना उन्होंने उन रिचुअल, कस्टम्स, कल्चरल एक्टिविटीज से की जिनसे वो परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने भारत में जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए अल्बर्नी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई बाधाओं को, अवरोधों को उस पर चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में उसके बाधक, जो उसको समझ में नहीं आ रहे थे, दिक्कत उत्पन्न कर रहे थे। इनमें से पहला अवरोध भाषा का था। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी में अनुवादित करना आसान नहीं था। अल्बर्नी लिखता है कि उसके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा से था। धार्मिक जो डिफ्रेंसिएशंस थे, दूसरी उसके लिए समस्या थी। उसके अनुसार जो तीसरी हिंड्रेंस थी उसके लिए, वो अभिमान था, प्राइड थी। वो रोचक बात यह है कि उन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल्बर्नी लगभग पूरी तरीके से ब्राह्मणों द्वारा रचित जो कृतियाँ थीं, जो टेक्स्ट थे, उन पर आश्रित रहा। उसमें भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेद, पुराण, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि के अंश उद्धृत किए। उन्होंने उन सारी चीज़ों का सहारा लिया अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। कैसे करता है? कहता है, एज वी हैव सीन ट्रेवलर्स ऑफन कंपेयर्ड दैट वॉट दे सा इन द सब कॉन्टिनेंट विद द प्रैक्टिसेस विथ विच देवर फेमिलियर, ईच ट्रेवलर अडॉप्टेड द डिस्टिंक्ट स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड वॉट दे ऑब्जर्व। अल्बर्नी फॉर इंस्टेंस वॉज द ऑलवेज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स इनहेरिटेंट इन द टास्क ही हैड सेट हिमसेल्फ। ही डिस्कस द सेवरल बैरियर्स दैट ही फेल्ड ऑब्स्ट्रक्टेड अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट अमंगेस्ट दीज वॉज लैंग्वेज। अल्बर्नी एक्सप्लेन That what was the problem he faced in India to know, understand about the customs, ritual, religious practices and the Sanskrit text also. He discussed some barriers, several barriers that he failed to obstructed understanding. That first among us, these was the language. According to him, Sanskrit was different from the Arabic and Persian. That ideas of the concept could not be easily translated from one language into other language because Sanskrit was very difficult language like Arabic, he explained previously. The second barrier he identified was the difference in the religious beliefs and the practices. Al-Biruni was this follower of Islamic culture, but he visited India and he felt that the whole culture is different. In India, in Hindustan, the whole society believed in the Brahmanical religion, their practices, their beliefs, their faith is different. That is also the barrier. The self-absorption and the consequent
द इंसल्टरी टू द लोकल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू हिम द कंस्टिट्यूट टू थर्ड वेरियस. वॉट इज इंटरेस्टिंग इज दैट इवन दो ही वॉज अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स अल्बरूनी डिपेंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क ऑफ द ब्राह्मण्स. अल्बरूनी जानता था कि अल्बरूनी कहता है कि जो लोगों के अंदर अभिमान है भारतीयों के अंदर हिंदुस्तानियों के अंदर, इसलिए मुझे एक्चुअल बात जानने के लिए टेक्स्ट पे भारतीय टेक्स्ट इंडियन टेक्स्ट पे डिपेंड होना पड़ता है. ब्राह्मणों के द्वारा जो कार्य किए गए संस्कृत में उस पर डिपेंड होना पड़ता है. कहता है मैंने भगवद गीता पढ़ी, मैंने उस पर काम किया, मैंने पतंजलि के महाभाष्य पे काम किया, मैंने पुराण पढ़ा, मैंने वेद पढ़े, फिर उसके आधार पे मैंने मनुस्मृति पढ़ी और उसके आधार पे मैंने इस बातों को समझा, भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया, भारतीय समाज के नियमों को जानने का प्रयास किया, उसकी व्याख्या की. कहता है आगे कि इन स्पाइट ऑफ दीज द एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम अल्बरूनी डिसअप्रूव्ड ऑफ द नोशन ऑफ पॉपुलेशन. अल्बरूनी भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में भी लिखता है. अल्बरूनी ने भारत के बारे में जो लिखा इन चीज़ों को बड़े ही माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन के आधार पर लिखा. अल्बरूनी ने भारत की संस्कृति का व्याख्या की, निश्चित रूप से एक बहुत ही महान कार्य था. एक अरेबिक लैंग्वेज का आदमी एक संस्कृत पढ़ करके एक्चुअल टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहा है, ये अपने में यूनिक था. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.